निकाय चुनाव के आखिरी चरण नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अध्यक्ष पद की अपनी दावेदारी लेकर मैदान में हैं। और निर्दलीय प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी बैनर के तले चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को मात देने में लगे हैं। ऐसे ही एक कर्मठ एवं युवा प्रत्याशी अनूप कसौधन अपने चुनाव निशान पानी का जहाज तले निर्दलीय मैदान में हैं। देखा जाए तो पार्टी बैनर से कहीं आगे निर्दलीय प्रत्याशी जो कि युवा वर्ग आज मैदान में हैं। लगता है कि युवाओं को ये एहसास हो गया है कि ये दौर उनका है। उसी उद्देश्य से अनूप कसौधन भी पालिका विकास के लिए मैदान में हैं। इस युवा प्रत्याशी का एकमात्र उद्देश्य पालिका विकास। पूर्व में पार्षद रह चुके अनूप ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से पूर्व पालिका अध्यक्ष ने किस तरह से जनता के विश्वास को ठगा। ना तो कोई विकास का कार्य हुआ, न ही शोहरत गढ़ की काया बदली। उन्होंने बताया कि किस तरह कई घोटालों से लिप्त पूर्व पालिका अध्यक्ष ने जनता को गुमराह किया। इसलिए जनता की उम्मीद और पालिका के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हो, अगर जनता ने मुझे चुना होता तो जनता के लिए जो आवश्यक उसकी उपलब्धता मेरी प्रथम प्राथमिकता होती। नगर को 10 साल में लूटने का कार्य किया, नगर को मैं अलग दिशा देने के लिए। किन लोगों ने लूटने का कार्य किया? वर्तमान का जो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष है। तो इन लोगों ने क्या भ्रष्टाचार किया? भ्रष्टाचार में है शिव बाबा है, जेसीबी घोटाला है, चूना घोटाला है, रोड घोटाला है जी। तो ये आप भी पार्षद रहे हैं तो क्या इसके खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ उठाई? मैंने कई बार आवाज़ उठाया है, लेकिन यहाँ कितने पार्षद घुल मिल जाते हैं वहाँ अकेले कितना सामने। तो सोहरतगढ़ की जनता से क्या वादा कर रहे हैं कि अगर आप चेयर? सोहरतगढ़ से जनता से मैं यही वादा करूँ कि अगर हम पूछ लाए कि वहाँ पहुँचाए सोहरतगढ़ की जनता, तो वहाँ एक एम्बुलेंस की तत्काल व्यवस्था, नगर पंचायत में सुलभ शौचालय की व्यवस्था, चाहे वो जमीन खरीदना पड़े, दूसरा नंबर एम्बुलेंस की व्यवस्था, तीसरा मोबाइल ट्रांसफार्मर, यात्री बैठक और भी जो कार्य अधूरा है प्रकाश से उसको भी पूरा किया जाएगा।